आ गया। बहुत बड़े इमाम हजरत इमाम अबू हनीफा सब कौ रहमतुल्ला रहमतुल्ला ले वक्त दे बहुत अल्लाह दे वलियां दा भी तस्करा सुनना चाहिए, रब ने नेक लोगों का भी तस्करा सुनना चाहिए। इन्हां नूं आखरत दा किन्ना फिक्र है। बाजार दे अंदर जा रहे ने इमाम साहब, बारिश होई है, लकड़ी की जुत्ती पहनी, खड़ावां पहनियां हुई ने। एक नौजवान दे पैर दे उत्ते पैर आ गया ते ए नौजवान आंदा, ओ तैनू क्यामत दा डर नहीं, ओ तू ध्यान नहीं करदा, तैनू खुदा दा खौफ नहीं, तू मरना नहीं, रब नूं हिसाब नहीं देना। ए जुमले इमाम साहब ने सुने ने ते अल्लाह की कसम कूफे की गली के अंदर बाजार अंदर बेहोश हो गए ने। इमाम साहब बेहोश हो गए ने, बेटा नाले उठाया घर अंदर लै गए ने, ते थोड़ी देर बाद होश आई। बेटा जाओ नू लब के ले आओ, उस नौजवान नू तलाश करके ले आओ, क्योंकि उन्हें मैनू गल बड़ी सख्त कही है, उन्हें मैनू क्यामत दे कोलो डराया वे। बेटा दा बाजी कोई गल नहीं, पैर ही उते नहीं, बेटा मैं उहदे कोलो माफी मंगना चाहना, तू जाई उन्हू कहीं ते तेनू इमाम अबू हनीफा बोल ना आए, उत्थे ही मेरी तरफों दे कोलो माफिया मंग लई, उन्नी देर तक ना ही जिनी देर तक वो तेरे बाप नू माफ ना कर दे। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह दा बेटा गया, जाके उहदे नाल गलबात होई ते उहनूं पता लग्गिया आंदा अच्छा वह इमाम साहब सन, इमाम अबू हनीफा सन, ते मैं चलना वां, ज़ियारत हो जाएगी। ए इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह दे सामने आ गया, आके हज़रत जी बड़ी खुशी वाली गल है, मैं तुहाडा अगे नाम बड़ा सुनिया सी लेकिन ज़ियारत नहीं होई सी। आप फरमाते ने बेटा ज़ियारत की गल खुशकिस्मती की गल बात अंदर करी, पहले मैनू माफ किया कि नहीं किया दस आंदा। इमाम साहब एक कहो जी गल कर रहे हो, फरमाया अगर माफ किया तो फिर अपनी जुबान चो कह दे मैं साबत दे बेटे नुमान नू माफ कर दिता वे, मैं माफ। उन्हें कह के ठीक है जुमले के आंदे नहीं बेटा अजे मेरी तसली नहीं हुई, चार गवाह लैके आओ, वो चार कोई मकान की रजिस्ट्री नहीं करवानी, कोई सौदा नहीं करना, ते चार गवाह बुलाए ने। ते ए आन वाला नौजवान आंदा इमाम साहब इन्नी परेशानी का दी है, फरमाते ने बेटा तू मैनू क्यामत तो डराया सी अल्लाह की कसम, इत्थे जो जी कर दई हिसाब लै ला, अल्लाह की बारगाह अंदर अबू हनीफा हिसाब नहीं दे सकता। ए खुदा दे नेक बंदे सन, ए उन्हां नू क्यामत दा डर सी, ए उन्हां नू आखरत दा फिकर सी, असी ते गौर ही नहीं ना करदे, असी ते